गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसा कि हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इसको लिखा जाता है COOH। यहाँ पर जो H है वो अगर वो रिलीज हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर तो इसका मतलब है कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर। और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो उसके लिए कुछ रिएक्शंस है। जैसे सोडियम के साथ में, सोडियम मेटल के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो एलिमिनेट होती है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में या सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो भी यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर जो H को रिप्लेस करके बनेगा, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा RCOONA। और एक यहाँ पर, क्योंकि जब भी अगर वहाँ पर कोई कार्बोनेट अगर आ जाता है तो उसमें से हमेशा ध्यान रखना है आपको कि उसमें से हमेशा जो CO2 गैस है वो इवॉल्व होती है और रिमेनिंग जो है कि अगर ये बेसिक है और ये एसिडिक नेचर में है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसकी वजह से वाटर भी साथ में फॉर्म होगा। ये वापस सुन लीजिए, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है, ये नेचर में बेसिक है, वीक जो बेसिक नेचर का होगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी तो एक तो बन गया यहाँ पर सॉल्ट, सॉल्ट के साथ में कार्बोनेट होने की वजह से गैस जो इवॉल्व होगी वो होगी CO2 और यहाँ पर OH और H मिलकर यहाँ पर बना लेंगे H2O। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो नेचर है वो होगा वहाँ पर, इसका नेचर है यहाँ पर वो होगा एसिडिक। इसी तरीके से आपको इस Na2CO3 के साथ में जो रिएक्शन है वो आपको खुद ही कंप्लीट करनी है। RCOH के रिएक्शन अगर हम Na2CO3 के साथ में करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये आपको खुद करना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एसिडिक होता है, तो क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर जब H रिलीज़ हो जाता है तो रिलीज़ होने के बाद में जो पीछे बचता है वो कहलाता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे, यहाँ पर अगर H हटा तो इसके ऊपर यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर भी आ सकता है, तो नेक्स्ट वाले के स्टेप के अंदर हमने ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ माइनस बता दिया और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। और तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं जिनको हम हाइब्रिड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया और बीच में हमने डॉटेड लाइन लगाई है जो कि शो कर रही है कि जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या कर सकता है कि वहाँ पर मूवेबल है, दोनों के अंदर वहाँ पर रोटेट कर सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। साथ ही साथ जो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको भी हमने बीच में लिखा है। इसका भी यही मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है इट कैन बी डीलोकलाइज ऑन बोथ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसी वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर। उसके बाद में अगर आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी हो, जैसे कि ए की वैल्यू दे रखी है और उससे आपको पता लगाना हो कि भाई यहाँ पर कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। और के का जो फुल फॉर्म है वो होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो जितना जल्दी एच दे देगा उसका के का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देख सकते हो, कह सकते हो कि के ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। मोर विल बी द के ए, मोर विल बी द एसिडिटी। बट PKa, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिव एग्जाम में इनके ऊपर बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं। तो के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जबकि PKa इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka। तो माइनस आ रहा है, माइनस लॉग आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी यहाँ पर PKa की तो वहाँ पर उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आंसर है वो या PKa है वो इक्वल से होता है माइनस ऑफ लॉग के, तो इसका मतलब ये जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि PKa प्रोपोर्शनल टू 1/ एसिडिटी, और वी कैन से PKa इज इनवर्स टू एसिडिटी। मोर विल बी द PKa, लेस विल बी द एसिडिटी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि PKa ज़्यादा है तो आप एसिडिटी भी ज़्यादा बता दो, इसके और एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो एसिडिटी को जो इफेक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उसमें पहला आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने की वजह से इधर की तरफ जाएंगे।
तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पर हाई है, वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर क्या होगा कि भाई जो एच है उसको रिलीज कर देगा और फटाफट से वहाँ पर प्रोटोन है वो दे देगा। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है उसको डीलोकलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG लिखा है जिसको मैंने, तो EDG की प्रेजेंस के अंदर हमेशा ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और देने वाला भी आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज को या कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज कर देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि एसिडिक कोई भी कंपाउंड या कोई भी मतलब मॉलिक्यूल तभी हो सकता है कोई जितना जल्दी एच दे। अगर उसको देने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो अगर सपोज़ यहाँ पर एच अगर जुड़ा हुआ होता और इसको इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से मिल रहे होते, तो उतना फास्ट यहाँ से ये एच के इलेक्ट्रॉन लेकर उसको रिलीज़ नहीं करेगा। तो इस वजह से जैसे ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो ये डीस्टेबलाइज कर देगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी वहाँ पर, कम हो जाएगी। अब मुझे अगर देखना हो कि भाई यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कौन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको कम कर देते हैं या एसिडिटी बढ़ा देते हैं, तो उसके अंदर आपको देखना है कि सबसे पहले CF3, बिकॉज जो फ्लोरीन है वो इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसका नंबर भी यहाँ पर 3 हो गया। मतलब अगर कार्बन के साथ में 3 फ्लोरीन के एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो फटाफट क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन्स में से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको वहाँ पर डीलोकलाइज फटाफट करते रहेंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी भी वहाँ पर बढ़ेगी। उसके बाद में आता है नाइट्रो ग्रुप है, फिर CN है, फिर उसके बाद में ये तीन तो आपको पहले एक साथ याद रखना है कि इन तीनों में CF3, उसके बाद में NO2 और उसके बाद में CN, उसके बाद में ये चारों के चारों हैलोजन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की, तो सबसे आगे आ गया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन और उसके बाद में नंबर आता है फिनाइल। अब आप सोच रहे होंगे फिनाइल का क्या काम है यहाँ पर, तो फिनाइल ग्रुप क्या करेगा कि वहाँ पर ये भी नेगेटिव चार्ज है उसको डीलोकलाइज करने में हेल्प करेगा, इसकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये भी वहाँ पर एसिडिटी है वो उसको इंक्रीज करता है। इसको हमने आगे भी ले रखा है कि अगर फिनाइल या विनाइल अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर विनाइल लिया है, विनाइल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें से एक एच हटा दो तो ये कहलाएगा विनाइल, तो विनाइल का एक एच हटा कर मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ऐड कर दिया, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करते ही अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा। कैसे, कि अगर ये ऑक्सीजन अपने ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ले ले और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया वहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लिए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। फिर बॉन्ड्स यहाँ से, क्योंकि जैसे इसको इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी कम हुई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील होगी, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो इसकी वजह से इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो गया, इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर एसिडिटी वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जब भी फिनाइल हो विनाइल हो उस कंडीशन में एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी। अब एक सपोज एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर कि यहाँ पर बेंजोइक एसिड ले रखे हैं और बेंजोइक एसिड के ऊपर कुछ सब्सटिट्यूएंट्स है वो अटैच्ड हैं, तो सबसे पहला है मिथॉक्सी ग्रुप। अब मिथॉक्सी ग्रुप देखते ही मुझे समझ जाना है कि ये EDG है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, या हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में pH है वो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर है NO2, NO2 का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जब भी प्रेजेंट होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद में EDG जब भी प्रेजेंट होगा तो एसिडिटी है वो डिक्रीज होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है।
और यहाँ पर ये नॉर्मल जो फिनाइल ग्रुप है ये भी क्या करेगा, वहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो अब मुझे अरेंज करना है कि फिनाइल तो मेरा कहाँ आ रहा है, सबसे पीछे आ रहा है, जबकि NO2 कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन हो गया, यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद में ये और उसके बाद में ये, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड। फिर फिनाइल बेंजोइक एसिड आ गया और उसके बाद में मिथॉक्सी 4-methoxy बेंजोइक एसिड आ गया। अब अगर क्वेश्चन ये सब नहीं देकर सीधे आपको पीके की वैल्यू अगर दे रखी है और उससे पता लगाना है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि अगर कोई कंपाउंड है उसका पीके का वैल्यू 4.46 है, तो 4.46 यहाँ पर 4.19 3.41, तो सबसे कम इसका पीके, सबसे कम पीके का वैल्यू इसका है, इसका मतलब एसिडिटी क्या होगी, इसकी सबसे हाईएस्ट होगी। उसके बाद में ये और सबसे कम एसिडिटी होगी इसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पीके ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो अगर पीके ए ज़्यादा है तो एसिडिटी वहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो दोनों ही तरीक़ों से आप देख सकते हो, पीके से भी देख सकते हो अगर पीके की वैल्यू गिवन है, अदरवाइज ईडब्ल्यूजी और ईडीजी से आपको देखना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस, एसिडिटी के क्वेश्चंस, आप बोर्ड के पेपर उठा के देखो, हर साल के पेपर में आपको एसिडिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा या फिर एमाइंस की बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। तो एमाइंस का हम टॉपिक आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, यहाँ पर एसिडिटी वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आता ही आता है।